भाई, भाग, भाग. भाई भाई भैया भैया अभी भी मैं जूनियर ही हूँ <laughs> अभी भी इंट्रो चल सकता है मेरा <laughs> चलो आज तो आ, मैं बेसिकली बात करूंगा मेरा एक्सपीरियंस के बारे में ठीक है तो शुभ संध्या दादारा शुभ संध्या दीदीरा हमार, अमर नाम सोमित्रीपति और एटा हमार फर्स्ट परफॉर्मेंस स्टेज परफॉर्मेंस तो ओ तो सारा ऑडियंस देखे हमार माथा घुरछे हमार पद फाड़छे तो तो हम बात करते हैं हमारा पहला सीनियर इंटरेक्शन के बारे में मेरा पहला सीनियर इंटरेक्शन था रेस्पेक्टेड सीनियर इकराम भैया के साथ मतलब लेवल देख रहे हो तो आ, तो मेरे को जब भैया को पता चला कि हम उड़ीसा से हैं तो हमको बोले पति तू तो कितने दिन में बंगाली सीख लेगा, लेगा। छ महीने में सीख लेगा सीख तो भाईया, 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 हम बोले भैया हम तीन महीने में सीख लेंगे फिर हम चले हमारे दोस्तों के पास तो वो मेरे दोस्त सब दोस्त लोग मतलब बंगाली बहाने सिखाने के बहाने हमको गाली सिखा दिए तो अभी मेरा बंगाली में मेरे को बस गाली आता है बन मेरा आज भी पेंडिंग है फिर सीनियर इंटरेक्शन होने के बाद हम चले आ, मेस में खाने तो मेस के खाना खाने के बाद पता चला ये तो पूरा गोबर है ठीक है मतलब खाना खाने फिर भी चलो लंच डिनर फिर भी ठीक है हम पूछे जे दादा को पूछे थे दादा अभी हम ब्रेकफास्ट में क्या करते हैं तो हमको बोले हम पूरी सब्जी और ब्रेड ऑमलेट ये सब बनाते हैं तो हम बोले जे भैया आप इडली उपमा ये सब बना सकते हैं दादा ने बड़े कॉन्फिडेंस से हमको बोला हाँ हम इडली बनाएंगे उपमा बनाएंगे पर भाई लोग अब यकीन नहीं करेंगे बस चुतिया बनाए हमको तो फिर आते हैं मेरा रूममेट आपको पता होगा सिद्धांत तो वो दिल्ली वाला स्ट्रोक्स ठीक है बी स्ट्रोक्स ठीक है तो मतलब वो बिस्तर सूंघ के सो जाता है ऐसा लड़का है और उसके सुबह के अलार्म से हमको कष्ट और पीड़ा बड़ा मिलता है यार एक तो रात को लेट में सो और सुबह उसका अलार्म कुछ ऐसा होता है अलार्म टोन जैसे कि सूंघ के बता देते हैं बोतल रखी जा भी हो ऐसा रोड बच्ची जो तेरे भाई ने नहीं नापी हो साइज अपना लार्ज है टी शर्ट मीडियम क्योंकि ट्राइसेप्स पसंद है तेरी भाभी को फिर वीक चेंज नेक्स्ट वीक उसका क्या था रिंग अलार्म टोन जे मेरा बेटा निकल गया मेरे हाथ से मेरा बेटा निकल गया मेरे हाथ से साला फेमस होना चाहता है तो गाली दे रहा है मुझे अरे ऐसे बात करते हैं अपने बाप से चलो ज्यादा नहीं बोलूंगा उसके बारे में वरना फिर दरवाजा बंद करके सो जाएगा फिर हमको घूम के किसी और के रूम में सोना पड़ेगा तो फिर आते हैं हमारा आ, बंगाली कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स के कुछ कंट्रोवर्शियल वर्ड की वजह से जो मेरे को बड़ा अवार्ड लगा यहाँ पर हमारे रेस्पेक्टेड सीनियर कमलेश दा हमको बोले बुलाए और बोले पति तू स्टैंड अप करेगा मैंने बोला भैया गाली दे सकते हैं बोले गाली तो तू खुल के दे सकता है पर लेबल वन हमारा प्रॉब्लम ये था कि लेबल वन का गाली हमको पता नहीं था क्योंकि हमारा तो लेवल थ्री से शुरू होता है हम तो गाली टू टू पावर एन में देते हैं और एन इविन मल्टीपल है समझे ना समझते थोड़ी यहां होते अरे भाई इंजीनियरिंग कर रहे होते फिर कुछ कुछ वार्ड मेरे को ऐसे बहुत प्रॉब्लम हुआ जैसे कि यहां पर मैं पहले आया था तो मेरा सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल वार्ड था बीसी यहां पर बीसी माने बोका होता है बोका सी होता है ठीक है तो ये सुन के ही मेरा दिमाग 360 डिग्री घूम गया फिर सेकेंड हम कैसे बोल दें <laughs> फिर हमको भैया बड़े हमको एस्योर किए थे कोई भी नहीं रहेगा मतलब बंगाल सर से लेकर कोई शुभंकर सर तक कोई नहीं रहेगा लेकिन हमारे सर को बैठा दिए बाम के <laughs> <laughs> फिर सेकंड सबसे कंट्रोवर्शियल वर्ड था मेरी जिंदगी में वो था साउथ इंडिया में जैसे हम खाते हैं मेदु बरा, उसको ओडिशा में बोलते हैं सिप बरा, लेकिन यहां पर बरा माने कुछ पर्सनल चीज हो जाता है <laughs> फिर सेकंड कंट्रोवर्शियल चीज मेरे जिंदगी में आया यहां पर यहां पर मैं मैगी को मैगी बोलना छोड़ दिया मैं मैं मैगी को सुपी नूडल्स बोलता हूँ मैं मैगी को इप्पी बोलता हूँ लेकिन मैगी को मैगी बोलना तो छोड़ो खाना छोड़ दिया मैं फिर फिर कुछ आते हैं फिर आते हैं कुछ एक तो बंगाली लैंग्वेज इतना स्वीट और उसके ऊपर यहाँ की लड़कियां बंगाली लैंग्वेज का जो मिठास और उसके ऊपर यहाँ की लड़कियों का बोलने का अंदाज मतलब उनका तो गाली भी इतना अच्छा लगता है कि दिल करता है वो देते जाएं और हम सुनते जाएं। वो तो गुस्से में भी कुछ ऐसे बोलते तुम तुम्हें बदमाश अरे की तो पागल हो जाबो लास्ट को दो लाइन से एंड करता हूं तुम आरंभ तुमो शेस आरम्भ मानी बिगिनिंग एंड तुम आरंभ तुमो शेष तुम हो पैरासिटामोल तुम हो जेरोडोल एंड आई वेसियली थैंक्स पंदन भैया एंड अपूर्व नारायण भैया अपूर्व नारायण भैया अभी नहीं है रिनी दीदी वे बहुत वेरी सपोर्टिव ठीक है मेरे को बहुत चेंजेस बहुत एडिट करके मैं यहाँ तक आया हूँ एंड थैंक यू सर